वही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को कांग्रेस के ही पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने मानहानि का नोटिस भेजा है। अरुण सिसोदिया ने नोटिस के जरिए भूपेश बघेल से 15 दिन के अंदर ही उनसे माफी मांगने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, पिछले दिनों भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से राजनांदगांव से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा आज मानहानि का एक दावा पेश किया गया है, जिसमें कि नोटिस भेजकर उनसे 15 दिन के अंदर क्षमा मांगने की बात की है मैंने, क्योंकि उन्होंने हमें एक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक के परिवार को जो कि 1962 से सेना में सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं और 19 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करते आए हैं, हर प्रकार के जितने भी ड्यूटी मिली, जितनी भी जिम्मेदारी मिली पार्टी से करते आए हैं। उन्होंने हमें कार्यकर्ताओं को और विशेषकर हमारे जो लेटर के बाद से उन्होंने हमें स्लीपर सेल कह के कहा, जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त एक समूह या गिरोह को कहा जाता है, जो कि समाज में नफरत, द्वेष, भय और साथ साथ व्यक्तिगत अपमान का बोध कराता है। इसलिए मैंने आज मानहानि का एक नोटिस भेजा है रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से और 15 दिन का उसमें हमारे वकील के माध्यम से समय मांगा गया कि भाई 15 दिन में आप सार्वजनिक क्षमा मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाएगी।